आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सके यह कार्य प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, वो ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पस्ती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सके यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ईआरएम, क्वेलकॉम, एनएक्सपी, कैंडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।
इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित नीति है। उद्यमियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र के माध्यम से 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। इंसेंटिव वितरण भी आज प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है। निवेशकों की सहायता के लिए 100 उद्यमी मित्र तैनात किए गए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बेहतरीन व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की यूएसपी है। उत्तर प्रदेश में रोड और रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। वाराणसी से हल्दिया के मध्य देश का पहला इनलैंड वाटरवे संचालित है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल के साथ ही दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, बुड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, एपरेल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी आदि योजनाएं भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। सेमिकॉन 2024 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप निश्चित ही भारत को इस फील्ड का, इस इंडस्ट्री का एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आज यह सेमिकॉन इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो, इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय सेमिकॉन इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्लोबल लीडर्स और इस फील्ड के विशेषज्ञों और इस फील्ड में रुचि रखने वाले जितने भी यहां पर आए हुए छात्र हैं, इन सब को आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं।